वर्कशीट नंबर 6 एओडी में टेंजेंट नॉर्मल आज हम करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एओडी से टेंजेंट का नॉर्मल का लिंक क्या है और क्यों हम इसे एओडी में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है और हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक लाइन बनाए जो इसे टच करती हुई जा रही है, इसे टेंजेंट कहा जाता है। और जिस पॉइंट पर इसने टच किया उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, राइट एंगल लगभग एक जैसी चीज है। देखिए, ये एक लाइन है, कॉर्नर से बनाया एंगल बन गया राइट एंगल। किसी पॉइंट से बनाया 90 डिग्री हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, पॉइंट से बनाया परपेंडिकुलर बन गया नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ही कंसीडर करो आप लोग, अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनने वाला परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ये टेंजेंट के हमेशा साथ होता है। अब बात आती है डेरिवेटिव का लिंक टेंजेंट और नॉर्मल के साथ। देखो, टेंजेंट ये बाद में है, उससे पहले ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक हमारे पास ये पॉइंट है, लेट इट बी एक्स वन वाई वन। तो हमारे पास में ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, लाइन है, पॉइंट है। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। तो पॉइंट तो है बट अभी हमारे पास स्लोप नहीं है, इसका मतलब हम m की तलाश में है। m का मतलब tan थीटा भी हुआ करता था। और अगर मैं कभी भी कोई ट्रायंगल वगैरह देखूं बना के, या सपोज मैं यही बनाता हूं लाइन, आप देखो इस राइट ट्रायंगल में ये पार्ट जो है छोटा सा डेल्टा वाई माना जाएगा, ये छोटा सा पार्ट डेल्टा एक्स, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो एक्स, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई, छोटी है इसलिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो P आपके पास कितना डेल्टा Y और B आपके पास कितना डेल्टा X। अब डेल्टा Y बाई डेल्टा X को हम क्या कह सकते हैं, dy बाई dx। इसीलिए dy बाई dx को हम स्लोप बोलते हैं, किसका, टेंजेंट का। तो dy बाई dx जो होता है वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट कंसीडर किया जाता है। और dy by dx तो हमें निकालना आता ही है। तो कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू में और हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें dy by dx मिल गया, और अगर हमें dy by dx मिल गया इसका मतलब हमें स्लोप मिल गया टेंजेंट का। और अब स्लोप है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, और लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 और x1 तो पॉइंट हो गए और m आपके पास स्लोप हो गया। पॉइंट की जगह पॉइंट लिख दो, स्लोप की जगह स्लोप लिख दो, तो आपके पास निकल के आ जाएगी इक्वेशन टेंजेंट की। ठीक है, अब थोड़ी सी कोऑर्डिनेट या स्ट्रेट लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। जैसे कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जीरो होता है।
क्योंकि उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता ही नहीं है, तो जीरो एंगल माना जाता है। अब एम इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि स्लोप मतलब अब हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स है। अगर हम टेंजेंट की बात करें, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो आप देखो ये टेन नाइन्टी बन रहा है। टेन नाइन्टी का मतलब इन्फिनिटी स्लोप, ठीक है। और अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे में स्लोप हो जाएगा आपका 1, ठीक। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, M1 और M2, तो आप देखो M1 M2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अगर एक लाइन का स्लोप पता है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव होता है। जो लाइन होती है वो दो फॉर्म में आपको मिल सकती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो में, और एक होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अगर कोई इक्वेशन आपको y इक्वल टू करके दी हुई है, तो जो x के साथ है वो स्लोप होता है, और अगर आपको y इक्वल टू में नहीं दी हुई है, ऐसी दी हुई है मिक्स फॉर्म में, तो स्लोप इक्वल टू होता है x का कोफिशेंट y का कोफिशेंट और उसके आगे माइनस, ठीक है। अगर दो लाइंस हैं हमारे पास और उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, पहली लाइन से m1, दूसरी लाइन से m2, तो दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा होने की वजह से tan थीटा इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन हमेशा इसी से निकाल लिया करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और क्या करा जाए, अगर दो पॉइंट्स होते हैं, मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, पूरा स्ट्रेट लाइन रिवाइज हो रहा है आपका ये, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अगर देखो आपके पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना है, तो बहुत आसान होता है, टेंजेंट के स्लोप को रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो, क्योंकि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दूसरे का स्लोप निकालना हो तो रेसिप्रोकल करो और एक माइनस लगा दो। एक कॉमन सी बात है, आसान सी, अगर कोई लाइन ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाई करता है, तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7, और एक पॉइंट गिवन है 106। कहते हैं इस कर्व की इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो। देखो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ सॉल्यूशन में दिखाने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं टेंजेंट नॉर्मल, इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है। चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 इक्वल टू आया 666, देखो कितना आता है 216 माइनस 12, ये तो इस पर लाई नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है ओके, यहाँ 6 आना था, यहाँ 1 आना था,
हाँ 7 1 8 ये आ गया 6, इसका मतलब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल ये बाद में है, पहले ये स्ट्रेट लाइन है, और लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। फिलहाल हमारे पास पॉइंट तो गिवन है, अब स्लोप चाहिए, तो y का डिफरेंशिएशन हुआ dy by dx और x क्यूब से आया 3x² माइनस का 2। आप देखो dy by dx से क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो भी कब, जब हम पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 और 6 अगर हम रखेंगे 3 × 1² माइनस 2 से कितना आया 1, ये किसका स्लोप आया, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है। मान लो ये m1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव। अब मेरे पास टेंजेंट का स्लोप भी है, नॉर्मल का स्लोप भी है, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए थे, और एक फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन ये आपके एक्स वन और वाई वन है, तो वाई माइनस वाई वन टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट का स्लोप और x माइनस एक्स वन, तो आया y माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये हो गया x माइनस वाई प्लस फाइव, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बारी किसकी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला फिर से y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, एम दिया हुआ है माइनस वन और x माइनस एक्स वन, वाई माइनस सिक्स माइनस एक्स प्लस वन, और ये हो गया x प्लस वाई माइनस सेवन, और आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास एक कर्व गिवन है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों फाइंड करनी है वेयर इट कट्स y एक्सिस। देखिए टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। स्लोप तो हम डिफरेंशिएशन से निकाल लेंगे, पर हमें पॉइंट जरूर चाहिए। अब इन्होंने बताया कि ये कर्व जब y एक्सिस को कट करता है, अब ये कोई भी कर्व होगा, कैसा भी कर्व है, मान लो ऐसा ही, ठीक है, और इसने कहीं पर y एक्सिस को कट किया, जब ये y एक्सिस को कट करेगा तो आपको ये पता हो ना पता हो लेकिन कन्फर्म है x की वैल्यू क्या है, 0। तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 3 साइन 0। ये तो देखो बहुत ही बढ़िया आ गया, ये तो दोनों ही पॉइंट आपके 0 आ गए, तो आपका पॉइंट आ गया 0 0, पॉइंट आपके पास है, अब आपको चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करा तो आया आपके पास dy by dx इज इक्वल टू 2x² का 4x और sin x का आया cos x, ये स्लोप बन जाएगा टेंजेंट का। तो x इक्वल टू हमने 0 रखा और y इक्वल टू भी 0, y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हो गया 4 × 0 और 3 के साथ cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो आ गया आपके पास ये जस्ट 3, ये आया आपके पास dy by dx, मतलब किसका स्लोप आया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, आपके पास स्लोप आ गया टेंजेंट का। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ
नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कितना जाएगा, 3 से आया 1/3, रेसिप्रोकल का नेगेटिव। अब टेंजेंट का स्लोप भी है, नॉर्मल का स्लोप भी है, और पॉइंट आपके पास में है 0, 0। तो इक्वेशन फाइंड करते हैं पहले टेंजेंट की, क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x माइनस एक्स वन। तो आ गया पॉइंट हमारे पास में क्या आया हुआ है, 0, 0। तो y माइनस 0 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3x, और ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बारी आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो नॉर्मल का स्लोप है -1/3, और पॉइंट आपके पास 0, 0, तो माइनस का 1/3 एक्स माइनस 0, तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स, और लास्ट में आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन में x गिवन है, y गिवन है, t गिवन है, आपकी बार कर्व की इक्वेशन तो दी हुई है बट पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है। पैरामेट्रिक के क्वेश्चन हम लोगों को बहुत अच्छे से करने आते हैं, 3 तरीके होते हैं सॉल्व करके, एलिमिनेट करके, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही चाहिए, और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। ठीक है, स्लोप का मतलब तो dy/dx, और पॉइंट का मतलब x और y। आप देखो अगर मैं x की जगह π/4 लिख दूं, तो मेरे पास आ गया cos, t की जगह π/4 लिखूं तो cos π/4, और y की वैल्यू भी आ गई sin π/4। cos π/4 1/√2, sin π/4 भी 1/√2। तो आपके पास पॉइंट आ गया 1/√2 और 1/√2, पॉइंट आपके पास में आ गया। अब dy/dx की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर आया, राइट साइड से क्या आया, कॉस स्क्वायर टी के साथ साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी मिलकर हो गया 1। अब आप देखिए dy/dx यहाँ से मिल जाएगा, पॉइंट आपको वहां से मिल गया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई की वजह से dy/dx 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब यहां से देखते हैं dy/dx इज इक्वल टू आया माइनस का 2x अपॉन में 2y। आप देखो x की वैल्यू कितनी है 1/√2, y की वैल्यू कितनी है 1/√2, और एक माइनस, रूट टू से रूट टू गया, आ गया -1। और dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया है -1, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का नेगेटिव। अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, नेगेटिव करेंगे तो +1 हो जाएगा, और पॉइंट हमारे पास है दोनों ही कंडीशन में 1/√2 के साथ 1/√2। ठीक है, ये आपके पास x1 है, y1 है, x1 है और y1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, एम कितना है टेंजेंट का -1, तो बन गया x माइनस एक्स वन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस का x प्लस 1/√2, x को इधर ले आए तो बना x प्लस वाई इक्वल टू 2/√2, से आ गया √2। देयरफॉर इक्वेशन आपके पास आ गई है x प्लस वाई
इज इक्वल टू रूट टू. अब फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. पॉइंट आपके पास पहले की तरह वन अपॉन रूट टू है और स्लोप आपकी बार नॉर्मल का वन है, तो वन माइनस रूट टू. तो ये आ गया x माइनस वन अपॉन रूट टू और y माइनस वन अपॉन रूट टू. रूट टू से गया रूट टू और y इक्वल टू आ गया x. ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फोर्थ क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन. कहते हैं कि वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट का स्लोप 2/3 है. अगर टेंजेंट का स्लोप इन्होंने बोला है तो इसका मतलब डीवाई बाई डी एक्स दिया हुआ है. तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 2/3. ठीक है, ये तो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है. एक हम भी तो फाइंड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा. तो हमने करा दोनों साइड्स का डिफ्रेंशिएशन. तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे रूट में 4x माइनस 3 और 1 का डिफ्रेंशिएशन. रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डिफ्रेंशिएशन किसका? बॉक्स का. 1 का हो गया 0 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2/3. 2 से 2 कैंसिल तो आया आपके पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और 4x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ गई 3. क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गई है देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी रूट में 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1. 12 माइनस 3 से आया रूट 9 माइनस 1 जो हो जाएगा 3 माइनस 1 और आपके पास y आ गया 2. देयरफॉर आप कह सकते हैं पॉइंट आपके पास आया है 3,2. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कर्व दिया हुआ है. कहते हैं वो पॉइंट फाइंड करो वहां जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. आपको मैंने लिखवाया था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है स्लोप जीरो होना. स्लोप मतलब डीवाई बाई डी एक्स. इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि dy by dx की वैल्यू तो जीरो है. ठीक है, अब एक बात और है, इन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोली है और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है, पॉइंट की और स्लोप की. स्लोप तो हमें जीरो मिल गया तो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट फाइंड करना है. तो y का डिफ्रेंशिएशन करा तो आया हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस में 36. यहाँ से 6 कॉमन लिया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके फैक्टर करे तो आया x माइनस 2 और x माइनस 3. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है इसलिए हम dy by dx को रखेंगे जीरो के इक्वल और जैसे ही हम इसे जीरो रखते हैं तो हमें x की दो वैल्यू मिलती हैं. पहली वैल्यू x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू 3. लेकिन ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है. पॉइंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y दोनों. तो अभी x आया है, हमें y भी निकालना है. तो हमने क्या करा, x इक्वल टू 2 पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में तो y इक्वल टू आ गया आपके पास 2 इंटू 2 का क्यूब 15 इंटू 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 और माइनस का 21. 8 2 जा 16, 15 4 जा 60, 36 2 जा 72 माइनस का 21. यहाँ से आ रहा है 12 और 16 28 माइनस 21 से आ गया 7. तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया आपके पास, पॉइंट आ गया 2, 7.
अब एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, तो वाई इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, 15 इंटू 3 का स्क्वायर, 36 इंटू 3 और माइनस का 21। 3 3 3 कितने आ गए, 27। 27 टू जा कितने आ गए, 54। 15 नाइन जा आ गए 135। 36 थ्री जा 108 और माइनस का 21। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से आया हमारे पास 27 माइनस का 21 और 54। तो यहाँ से 27 आया, 27 माइनस 21 से आ गया 6। तो पॉइंट आया दूसरा 3,6। एक आया है 2,7 और एक आया है 3,6। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले पॉइंट पर जो है 2,7 और स्लोप हमारे पास पहले से ही है 0, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस सेवन 0 इंटू एक्स माइनस टू, देयरफॉर वाई इक्वल टू 7 इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 3,6, तो सेकंड पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 0 इंटू एक्स माइनस थ्री, 0 की मल्टीप्लाई करी तो y माइनस सिक्स इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कर्व दिया हुआ है, कहते हैं वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, ओके, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल होना मतलब स्लोप कितना होना, इन्फिनिटी होना। तो अब हमें पता है स्लोप इन्फिनिटी है, तो अपने कर्व के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई की वजह से आया dy बाई dx, एक्स का 1 और वाई से आया dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों में से dy बाई dx हमने कॉमन लिया और बाकी दोनों चीज़ों को दूसरी साइड ले गए, तो 2y माइनस टू, सॉरी 2y माइनस 4 के साथ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आया 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। बट हमें क्या दिया हुआ है, dy बाई dx तो इन्फिनिटी है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, 2 कॉमन लिया y माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। इन्फिनिटी की कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, या तो 1/0 करके कर लो या रेसिप्रोकल करके 0 इक्वल रख लिया करो, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। तो हमने दोनों साइड का रेसिप्रोकल करा तो ये 0 बन गया। देखो ये एक्चुअली जेन्युइन मेथड है, बट 1/0 भी हमेशा काम करेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये इधर चला गया, 0 हो गया, तो आपके पास y माइनस 2 इक्वल टू 0 आया और y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब क्योंकि y की वैल्यू 2 आ गई है तो यहाँ से x भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू 2 पुट करी तो आपके पास x स्क्वायर आया प्लस y स्क्वायर आया माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस में 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 और 1 5 माइनस 8, अब इसके फैक्टर करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस 3, 1 कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 के साथ आया एक्स माइनस
थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और थ्री, जबकि वाई की वैल्यू है हमारे पास सिर्फ टू, तो पॉइंट बन जाएगा माइनस वन के साथ टू या थ्री के साथ टू आर द पॉइंट्स। सेवन क्वेश्चन में हमारे पास एक कर्व है और हमें इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो। जैसे एक ज्योमेट्रिकल फिगर से भी आपको थोड़ा समझाता हूँ होता क्या है इसके अंदर। जैसे मेरे पास ये कर्व है, याद रखो अगर एक्स स्क्वायर है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा पैराबोला बनेगा। इस धरती पर चार प्रकार के पैराबोला पाए जाते हैं, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ये आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से, ये आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स से, ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से, ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस। फिलहाल हालात आपके अपवर्ड्स वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक पैराबोला बन रहा है, एक रफ पैराबोला बनाया, शेप प्रॉपर रखी। हमें किसी पॉइंट पर एक लाइन दी हुई है, वो कहते हैं ऐसी टेंजेंट निकालो जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब देखो हमें ये फाइंड करनी है इसका मतलब, ठीक है। तो अब देखो ये जो टेंजेंट होगी, जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, क्योंकि इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये लाइन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। आप देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, एक्स का कोफिशेंट वाई का कोफिशेंट पर लगा दो एक माइनस। तो गिवन लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है 2/1 मतलब 2, तो हमारी टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप भी होगा 2। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। और लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और मेहनत। से अभी अभी आपने स्लोप निकाला है, अब सिर्फ आपको पॉइंट चाहिए। तो dy by dx की वैल्यू 2 है, आपके अकॉर्डिंग dy by dx की वैल्यू 2 है, पर आप एक तरीके से और निकाल सकते हो dy by dx। तो यहाँ पर आपने y का डिफरेंशिएशन करा, तो dy by dx इज इक्वल टू आया 2x माइनस 2। तो dy by dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू पुट कर दी जाए तो पूरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि हमें y मिल जाएगा। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस में 7, और y की वैल्यू आ गई 7। तो आपके पास पॉइंट हो गया 2,7, और स्लोप आपके पास में है 2। अब आपको चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन भी किसकी, टेंजेंट की। और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। फॉर्मूला होता है हमारे पास y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस सेवन एम इंटू एक्स माइनस टू सॉल्व करा, y माइनस सेवन इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आया, और 2x माइनस वाई प्लस 3 आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक कर्व है, इसकी हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। आपके पास नॉर्मल पैरेलल है, ठीक है। तो आप एक बात देखो, इस लाइन का स्लोप कितना है, x का कोफिशेंट y का कोफिशेंट पे लगाया एक माइनस, ये किसका स्लोप आया, ये नॉर्मल का स्लोप माना जाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल और ये लाइन आपस में पैरेलल है। जो इस लाइन का स्लोप वही नॉर्मल का स्लोप, और ये तो नॉर्मल का स्लोप है। जरूरत हमें किसकी होती है, टेंजेंट के स्लोप की, और टेंजेंट और नॉर्मल आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा जस्ट 3, रेसिप्रोकल का नेगेटिव। और टेंजेंट के स्लोप का दूसरा नाम होता है dy by dx। अब आपने dy by dx निकाल लिया, वहाँ से भी dy by dx निकाल सकते हो। तो ये आया आपके पास 6x माइनस का 2y साथ में dy by dx इज इक्वल टू 0। दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करा, dy by dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
3, तो 6x 2y into 3 equal to 0. इस हिसाब से तो 6x equal to 6y आया और x equal to y आया. पॉइंट अभी भी नहीं निकला है, स्लोप हमारे पास दोनों आ चुके हैं और इक्वेशन के लिए हमें दोनों की जरूरत होगी. तो पॉइंट निकालने के लिए हमने x की जगह y या y की जगह x पुट कर दिया, तो आता है हमारे पास 3x square माइनस का x square is equal to 8, 2x square is equal to 8, x square is equal to 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस 2. अभी x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू माइनस 2 है और y की वैल्यू दोनों ही केसेस में x के इक्वल है, तो आपके पास दो पॉइंट्स आए, एक आया 2 2, एक आया माइनस 2 माइनस 2. और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है 3, लेकिन हमें निकालनी किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की. तो स्लोप हम कंसीडर करेंगे नॉर्मल का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी गई है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इन टू x माइनस x1. तो y माइनस, अभी हम निकाल रहे हैं पॉइंट 2 2 पर, तो y माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन 3 और x माइनस 2, 3 को दूसरी साइड ले गए तो आ गया 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस x प्लस 2, तो ये आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अभी दूसरा पॉइंट माइनस 2 माइनस 2 के लिए भी निकालेंगे, स्लोप हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 3 है. फॉर्मूला होगा वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 3 को उधर ले गए, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 2. तो x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0. आप देखो ये दूसरा नॉर्मल आया, ये पहला नॉर्मल आया, दोनों जरूर पैरेलल होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू x क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5. कहते हैं ये x एक्सिस को टच करता है माइनस टू जीरो पर और y एक्सिस को वहां कट करता है जहां पर इसकी ग्रेडियंट 3 है. ग्रेडियंट स्लोप को ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फिजिक्स में, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट. ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारे मतलब की चीज है, ग्रेडियंट हमारे लिए स्लोप ही होता है. कहते हैं एबीसी की वैल्यू निकालो. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समझते हैं, छोटी मोटी बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई. आप देखो जैसे ये एक्स क्यूब आपको नजर आ रहा है तो आप समझ लेना ये कर्व दो बार टर्न लेगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. पावर 4 होती तो 3 टर्न होते उस तरीके से. अब एक बात इन्होंने ये बताई कि ये x एक्सिस को टच कर रहा है माइनस 2 पर, ठीक है, और y एक्सिस पर जब ये कट करता है तो इसकी ग्रेडियंट 3 है. ग्रेडियंट 3 के साथ जरा एक दो छोटे मोटे फैक्ट हम बता देते हैं आपको. देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप मतलब 3, ठीक है. स्लोप का दूसरा नाम टेन थीटा, टेन थीटा 3 है. टेन 45 कितना होता है, 1. टेन 60 रूट 3, इसका मतलब 60 से भी बड़ा स्लोप है लेकिन है पॉजिटिव. तो अप्रोक्स मान ले 70-80 के आसपास एंगल बन रहा है. तो एंगल ऑफ टेंजेंट जब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो 70-80 डिग्री के आसपास है. ये बात ना भी पता हो तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन पता हो तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है. हमें पता है कि हमारा ग्राफ कैसे जाने वाला है. वो दो बार कर्व लेगा, एक्स एक्सिस को माइनस टू जीरो पे कट करेगा और जिस पॉइंट पर हम वाई एक्सिस को ये कट कर रहा होगा वहां पर टेंजेंट 80 और 75 के आसपास का एंगल बना रही होगी. सही है, 2 प्लस रूट 3 होता है 75 की वैल्यू और 2 प्लस रूट 3 मतलब 1.73, तो ये 3.7 हो जाएगा. इसका मतलब 75 नहीं है, अप्रोक्स 70 ही है. राइट, तो एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, है ना. तो हमने ग्राफ बनाया, पता तो था ये ऐसे बनना है. अच्छा, अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना
तो ये ग्राफ पलट जाएगा। अभी जो नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ये ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसने y एक्सिस को कहीं कट किया तो वहां पर बनने वाली टेंजेंट अप्रोक्स 70 डिग्री का एंगल बनाएगी, सही है। और ये x एक्सिस को कट कर रहा है -2 पर, बात बन गई। आप देख रहे हो y एक्सिस को जहां कट कर रहा है, जहां भी कर रहा है वहां पर टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, अप्रोक्स 70 बना रही है। और जहां इसने x एक्सिस को कट किया वो पॉइंट क्या है, -2, 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसे नहीं भी बना पाते फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, राइट। लेकिन अगर आप इसे बनाते हो तो आप डिफरेंट होते हो उसे, कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। अब एक बार बताओ, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है ना, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बेसिक बात है भाई, आप ये देखो, ये कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच करता है, टच कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व पर है, ये पॉइंट कर्व पर है, तो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह -2, वाई की जगह 0 लिखा, एक्स की जगह -2 लिखा, तो माइनस का 8a प्लस का 4b और माइनस का 2c साथ में 5, एक इक्वेशन आ गई, ठीक। पर इन्होंने एक बात और भी बोली है, ये जो इन्होंने बोला है ना, ये कट और टच का चक्कर, ये दोनों अलग अलग यूज करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है अभी, ठीक है। इसे जरा और अच्छे से समझते हैं, सुनो मैं तुमको जरा ऐसी बताता हूँ कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। ये कहते हैं कि ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस इसे टच कर रही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस इसके लिए क्या बन रही है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। इन्होंने बोला है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या तो ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो गई, टेंजेंट। और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, एक्स एक्सिस का अपने साथ में कोई एंगल ही नहीं होता, जो लाइन एक्स एक्सिस हो या उसके पैरेलल हो वो सारे स्लोप 0 होते हैं। तो इस पॉइंट पर dy बाई dx मतलब स्लोप कितना माना जाएगा, 0। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस में c, ठीक है। अभी dy बाई dx कितना हो गया, 0 हो गया, कब कब हुआ, जब x की वैल्यू -2, x की जगह -2 लिखा, तो 2 -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12a -4b प्लस में आया c। एक बात, एक चीज आ गई। दूसरा, ये कहते हैं जब इसका स्लोप 3 है तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, कोई भी चीज y एक्सिस को कट करती है, y एक्सिस को कट करा तो x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन करा हुआ है। अब देखो, वेयर इट कट्स y एक्सिस, जहां पर भी ये y एक्सिस को कट करेगा उस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और स्लोप कितना दिया हुआ है उस पॉइंट पर, 3, तो dy by dx की जगह 3 लिखा और x की जगह क्या लिख दिया, 0। ये तो 0, 0 हुए और हमें तुरंत वैल्यू किसकी मिली, c की। यहां से तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि c आ गया तो 3 वेरिएबल नहीं, अब 2 बचे, और 2 को तो तुम लपेट ही देते हो 10th क्लास के मेथड से, तो हो जाएंगे ना। अब एक बात और भी है, आपके पास ये एक इक्वेशन है, आप ये देखो, ये कर्व x एक्सिस को इस पॉइंट पर टच करता है, टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कर्व पर है। अगर ये पॉइंट कर्व पर है तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ, सेटिस्फाई, x की जगह -2 और y की जगह 0, तो y की जगह 0, x की जगह -2 लिखा तो आया माइनस का 8a प्लस का
फोर बी और माइनस का टू सी, प्लस में आ गया फाइव. बट सी की वैल्यू तो है हमारे पास थ्री, तो थ्री टू जा हो गया हमारे पास सिक्स, प्लस में फाइव माइनस एट ए प्लस फोर बी, तो ये हो गया माइनस एट ए प्लस फोर बी इक्वल टू वन. ये सेकंड. अब दो वेरिएबल, यहाँ पे भी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ट्वेल्व ए माइनस फोर बी, और सी की वैल्यू कितनी है थ्री, तो उधर ले गए माइनस थ्री. इन्हें सॉल्व किया तो यहाँ से आया माइनस का टू और फोर ए, ए की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ, ए आ गया, बी निकाल दो. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व इंटू माइनस का हाफ और माइनस का फोर बी, तो ये माइनस का सिक्स आया, माइनस का सिक्स इधर गया तो बन गया थ्री माइनस का फोर बी, और बी की वैल्यू आ गई माइनस का थ्री बाई फोर, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया. क्वेश्चन खत्म. टेंथ क्वेश्चन, हमारे पास एक कर्व है और ये कहते हैं फाइंड पॉइंट्स वेयर टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन. तो हमारी टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, बट वहाँ पर टेंजेंट्स लिखा होगा या पॉइंट्स लिखा होगा, पॉइंट्स लिखा हुआ है, मतलब हमें पॉइंट ढूंढने हैं आपकी बात, तो कैसे आएंगे वो पॉइंट. आपको मैंने एक रफ आइडिया तो ये दिया हुआ है, पावर फाइव आ रही है तो इसका लगा इसके अंदर चार, ठीक है, तो एक जनरल सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं रफ में, कि हमारे पास मान लीजिए कोई कर्व है एक दो तीन चार, एक दो तीन ही हुए तो है ना, और चार ऐसे जा रहा है, सही है, और ये हमने बनाई एक्सिस. अब देखो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं तो वो लाइन जो टच करती हुई चली जाए वो टेंजेंट होती है, ठीक है, और अगर मैं यहां बनाऊं टेंजेंट तो ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो गई. ऐसे अगर हो सकता है यहां पर भी कोई लाइन आ रही हो, तो अभी फॉर एन एग्जाम्पल एक यहां पर भी हो सकती है चार, तो हमारे पास में ऐसे ऐसे कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे एक पॉइंट ये जहां पर टेंजेंट बनाया ओरिजिन से पास, एक पॉइंट ये जहां टेंजेंट बनाया ओरिजिन से पास, एक पॉइंट ये जहां टेंजेंट बनाया ओरिजिन से पास, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में पॉइंट्स पूछे हैं. बट कन्फर्म है. अच्छा एक बात और भी है, ये ओरिजिन खुद इस कर्व पर लाइक करता है, आप देखो ना जीरो जीरो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी कुछ ऐसा होगा कि हम बनाए एक्सिस ऐसे भी हो सकती है ये, ठीक है. तो परेशानी ये है, एक बनाते हैं चलो थोड़ा बेटर ग्राफ जिससे ज़्यादा अच्छा आइडिया लगे. एक दो तीन, ठीक है, आप देखो एक खुद दो और यहाँ भी हो सकती है तीन, ठीक है, और भी हो सकती है, ये तो एक आइडिया सा ले रहे हैं. बट कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएं और वो ओरिजिन से पास कर जाए तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है. आपको दो मिनट मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अब समझने के लिए. अब हमने ये सोचा भी हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स हैं, हमने तो एक पॉइंट मान लिया कोई, भाई मान लो वो पॉइंट है एक्स वन वाई वन, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है जीरो जीरो, ओके, और ये लाइन मेरी टेंजेंट है, ये ओ है, लेट इट बी पी, ये जो ओ पी है ये टेंजेंट है, तो इसका स्लोप अगर मैं निकालूं दो पॉइंट्स रखे हैं तो क्या होगा y2 माइनस y1
अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, कोई परेशानी। और टेंजेंट का स्लोप क्या माना जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो क्या आएगा, 12x² - 2 × 5, तो ये बन गया 10x⁴। लेकिन सावधानी, ये जो मैंने स्लोप निकाला है ये तो जनरल स्लोप है, हर पॉइंट का स्लोप है, और हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आने वाला स्लोप क्या होगा, ये होगा। आपको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है आप उस पॉइंट को उसमें पुट करते थे ना, x = 2 पुट करते थे, 3 पुट करते थे, 0 पुट करते थे, आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो इसे पुट कर दो किसमें, dy / dx में। यहां से देखो y1 किसके इक्वल आया, 12x³ और 10x⁵। और y1 की वैल्यू, वैसे आप सोचो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, ये पॉइंट इस कर्व पर ही है ना, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y1 की वैल्यू तो यहां से भी आ गई, कितनी आई है, 4x³ + 2x⁵ इक्वल टू कितना है, 12x³ और 10x⁵। 12x⁴, लेकिन जब x की मल्टीप्लाई होगी उधर जाके, ठीक है, अब आप देखो इन्हें उधर ले जाते हैं, 4x³ को उधर ले गए तो कितना बन गया, 8x³, 2 वाले को उधर ले गए तो बन गया 8x⁵। कुछ कॉमन आ रहा है, ओके 8 आ रहा है, x³ आ रहा है, तो बचा 1 - x² = 0। तो यहाँ से या तो x1 की वैल्यू 0 या 1 - x² की वैल्यू 0, तो 1 = हो गया x1 का स्क्वायर और x1 की वैल्यू आ गई ±1। आप देखो आपके पास पहला पॉइंट आया है 0, दूसरा पॉइंट आया 1, तीसरा पॉइंट आया -1। अगर मैं x1 की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दूं इसमें तो मुझे क्या मिल जाएगा, y1 0 पुट करने पर क्या आ गया, 0 ही आया, 1 पुट करने पर क्या आया, 12 - 10 = 2 आया, और -1 पुट करने पे -12 + तो माइनस का 2 आया। हाँ, तो आपके पास पॉइंट आया एक 0 0, एक -1 और 2, और एक हो गया -1 - 2। इक्वेशन भी पूछी है क्या, देखो टेंजेंट की पूछी है या पॉइंट ही बोला है बस, ठीक है। 11th क्वेश्चन में हमारे पास ये दो कर्व हैं, xy = k और x = y², कहते हैं ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं अगर 8k² = 1 है। देखिए अगर क्वेश्चन कभी इस तरीके से दिया हो तो आपके पास में दो चॉइस होती है, या तो 8k² = 1 मान के 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या 90 डिग्री मान के आप 8k² = 1 प्रूफ कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये राइट एंगल पर कट करते हैं और हम 8k² = 1 प्रूफ करेंगे। जो LFPS है वहाँ पर 8k² = 1 को यूज़ करके राइट एंगल निकलवाएंगे, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो सुनो, ये मेरे पास दो कर्व हैं, पहला कर्व मेरे पास y = k/x और दूसरा कर्व हमारे पास y² = x है। ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है, और ये आपका y² = x है, ऐसा बनने वाला है, ठीक है। आप देखो ये दोनों ही यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं आप एक बार सोचो, एक ये कर्व इन दोनों के बीच में हम एंगल कैसे चेक करें। भाई ये एंगल अगर हमें चलो पता लग रहा है तो ये तो कर्व है, डी रख के भी अगर निकालना चाहो निकाल नहीं सकते आप इसे। तो जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट जो बनती है उनके बीच में जो एंगल बनता है उन्हें कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल माना जाता है, क्योंकि कर्व और कर्व पे तो आप डी रख के निकाल नहीं सकते एंगल, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनने वाली टेंजेंट्स
के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन माना जाता है कर्व का, ठीक है। अब अगर टेंजेंट की बात चल रही है तो टेंजेंट के स्लोप की बात चलेगी। भाई अगर हम देखें ये टेंजेंट और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो आपको बताया हुआ है m1 वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये होता था दो लाइंस के बीच में एंगल। टेंजेंट भी तो लाइंस होती हैं। अब इसका मतलब एक तो हमें ये पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें दोनों टेंजेंट के स्लोप चाहिए। तो पहले हमें ये पॉइंट चाहिए, जब भी दो चीज़ें इंटरसेक्ट करें, चाहे वो लाइन लाइन हो, कर्व लाइन हो, कर्व कर्व हो, सर्कल कर्व हो, कुछ भी इंटरसेक्ट करें, उन दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। आप देखो, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। आप देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, यहाँ पुट की, तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, पहले से एक वाई है इक्वल टू के है, तो वाई क्यूब कितना आया के, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया के रेस टू पावर वन बाई थ्री। आप देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, तो बन गया के रेस टू पावर टू बाई थ्री। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक्स की वैल्यू है के रेस टू पावर टू बाई थ्री और के रेस टू पावर वन बाई थ्री, पॉइंट आ गया। अब मुझे चाहिए दोनों कर्व के इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट्स के स्लोप। तो मुझे पहले कर्व का स्लोप चाहिए, दूसरे कर्व का। तो पहले कर्व का स्लोप अगर मैं निकालूं, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx, ये पहले कर्व का स्लोप आ रहा है। वन अपॉन x का क्या होता है, माइनस का वन अपॉन x स्क्वायर। और अगर दूसरे कर्व की बात की जाए, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 2y, और y के साथ आ गया dy बाई dx, तो बन गया 1 अपॉन 2y। अब ये पहले कर्व का स्लोप है, वो दूसरे कर्व का स्लोप है, पर कर्व का स्लोप हमें कब निकालना है, उस पॉइंट पर जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो k रेस टू पावर 2 बाई थ्री k रेस टू पावर 1 बाई थ्री, वैल्यू पुट करो माइनस का k, x का स्क्वायर, तो बन गया k रेस टू पावर 4 बाई थ्री। सॉल्व करो तो आ गया माइनस का 1 अपॉन k रेस टू पावर 1 बाई थ्री। ये किसका स्लोप आया, पहले कर्व का स्लोप, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरे कर्व का स्लोप, तो y की वैल्यू कितनी है, k रेस टू पावर 1 बाई थ्री, और ये हो गया आपके। अगर हम ये माने दोनों, अगर ये हम माने ये दोनों राइट एंगल पे हैं, ठीक है, ये गिवन है हमें कि ये दोनों राइट एंगल पे हैं, तो m1 m2 कितना होगा, माइनस वन, तो m1 की वैल्यू माइनस का वन अपॉन k रेस टू पावर वन बाई थ्री, और m2 की वैल्यू वन अपॉन टू रेस टू इंटू k रेस टू पावर वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन। वन से वन कैंसिल, वन इक्वल टू टू इंटू k रेस टू पावर वन बाई थ्री, वन बाई थ्री टू बाई थ्री, ये अपॉन में थ्री आ रहा है, दोनों साइड का क्यूब कर दिया, वन का क्यूब करा, टू का क्यूब करा, और k रेस टू पावर टू बाई थ्री का भी क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, और ये बन गया एट के स्क्वायर, और यही हमें। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें दो कर्व दिए हुए हैं और हमें उनके बीच में बनने वाला एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कर्व का, तो इसका मतलब हमें हमें क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप चाहिएगा, m1 चाहिए, m2 चाहिए, और वो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हमेशा निकाला जाता है जो जो दो चीज़ें इंटरसेक्ट करी उन दोनों को सॉल्व करके। तो वहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो x और y की वैल्यू निकालने में y और y को इक्वेट करा,
तो 4x² इक्वल टू 8x³, कोई भी x स्क्वायर से x को कैंसिल नहीं करेगा, ये बात पहले भी सिखाई हुई है मैंने, ठीक है, 4 से 8 कर सकते हो। तो 0 इक्वल टू आ गया 2x³ माइनस का x², कुछ कॉमन आ रहा है x², तो बचा कितना 2x-1, तो x की वैल्यू 1 आई और हाफ आई। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, सॉरी 0 आई और हाफ आई, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 0, और अगर हाफ पुट करूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो आ गई। तो आपके पास पहला पॉइंट आया 0 0 और दूसरा पॉइंट आया 1/2, 1, ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए। अब आपको चाहिए उनके स्लोप, तो पहले कर्व का हमने स्लोप निकाला, तो पहले कर्व से आया dy/dx, ठीक है, इक्वल टू आया 8x, ठीक है, और दूसरे कर्व का स्लोप निकाला तो ये आया 24x², ठीक है, दो स्लोप आ गए, ये मेरे पास में पहले कर्व का स्लोप और ये हमारे पास दूसरे कर्व का स्लोप। ध्यान से सुनो, अगर मैं 0 0 पुट कर दूं दोनों में ही, तो हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों से ही क्या आ रहा है, 0 0। तो हम लिख देते हैं फॉर पॉइंट 0 0, जब आपने x की जगह 0 पुट करा तो फर्स्ट स्लोप इज इक्वल टू सेकंड स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप कह सकते हो वो पैरेलल है। यहाँ पर हम कहेंगे या तो वो कॉइंसाइड कर रहे हैं या पैरेलल है। ठीक है, और अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की, 1/2 और 1 की, ठीक है, तो फर्स्ट स्लोप हमारे पास क्या आएगा, x की जगह 1/2 पुट करें तो 8 × 1/2 से कितना आया 4 आया, और m2 कितना आया 24 × 1/4 से आ गया आपके पास 6। तो आपके पास स्लोप आ गए 4 और 6, आपको चाहिए उनके बीच का एंगल, एंगल चाहिए तो यूज करोगे tan थीटा, tan थीटा होता है m1 − m2/1 m1 m2 का मोड। अभी m1 4 और ये 6, तो आ गया 4 − 6 1/4 × 6, तो थीटा कितना आया tan inverse 2/20, या तो एंगल बन रहा है tan inverse 2/25 या वो दोनों पैरेलल है। थर्टीन क्वेश्चन, 9y² = x³, कहते इस कर्व पर वो पॉइंट्स बताओ जहां पर अगर नॉर्मल बनाया जाए तो वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब हो गया ये दोनों सेम होने चाहिए, इंटरसेप्ट होते हैं जहां कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करे, तो इस डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट, इस डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ऐसे तो अगर इस लाइन की बात करें, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, अभी इंटरसेप्ट हमारे इक्वल हैं तो इसका या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तभी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास तो आप देखो स्लोप कितना होगा, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा। अगर हम एंगल की बात करें तो इक्वल इंटरसेप्ट के केस में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखा जाए तो हमारा बन रहा होगा 135 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 135 है तो स्लोप मतलब एम कितना हो गया tan 135, और tan 135 का मतलब हो गया -1। पर कौन बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट नॉर्मल, तो ये स्लोप, ये जो -1 आया है ये तो
टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल के नेगेटिव के इक्वल है, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप क्या रेसिप्रोकल का नेगेटिव। तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया वन। अब डी वाई बाई डी एक्स आपने मेहनत से निकाला है वन, और आप एक और तरीके से निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन से, तो आया आपके पास 18 वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 6, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो y की जगह लिखा एक्स स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं फ्रॉम 1 इक्वल टू आया एक्स क्यूब, तो 9 इंटू एक्स 4 अपॉन 36 इक्वल टू एक्स क्यूब, 9 4 जा 36, एक्स 4 इक्वल टू कितना आया 4x क्यूब, और एक्स 4 और 4x क्यूब इक्वल टू आ गया 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से x की पावर 3, तो आएगा x माइनस 4, तो x की वैल्यू आई 0 या x की वैल्यू आ गई 4। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा, बट अगर x की जगह 4 पुट करूं तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 64 बाई 9, तो ये आ गया प्लस माइनस 8/3। पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 4 के साथ प्लस माइनस 8/3, यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व y इक्वल टू b e रेस्ट टू पावर माइनस x अपॉन a एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ y। तो एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कर्व सा बनाते हैं, और एक काम करते हैं ऐसे नहीं बनाते, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। अब देखो कहीं पर हमारे पास ये कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ भी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है हमें कुछ नहीं पता, बट एक बात पता है कि एक्स की वैल्यू तो कंफर्म 0 होगी। उन्होंने कहा है ये लाइन कर्व को टच करती है, जो लाइन टच करती है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। तो पॉइंट निकालने के लिए हमें वाई एक्स तो मिल ही गया, अब वाई निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई इक्वल टू आ गया बी ई रेस्ट पा 0, तो आ गया वाई की वैल्यू आ गई बी। तो आपको प्रूव ये करना है 0 बी पर जो टेंजेंट बनेगी वो ये होगी। आपको दो चीज़ें चाहिए थी, आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप चाहिए। स्लोप का तात्पर्य होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो बी है ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किस का, बॉक्स का। तो आपके पास आया माइनस का बी अपॉन ए ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पर, वो भी 0 और बी पर, कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए ई रेस्ट टू पावर 0 मीन्स माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। अब पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो इक्वेशन चाहिए आपको किसकी, टेंजेंट की, जो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। वाई वन आपका बी है, एम आया माइनस का बी अपॉन ए है, और एक्स माइनस जीरो है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस का बी एक्स, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, सबको ए बी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी और यहाँ पर भी ए बी, तो बचा आपके पास एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच टचेज द कर्व वेयर कर्व इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं पॉइंट फाइंड करो जहां पर द स्लोप ऑफ कर्व इज मैक्सिमम। देखिए ये बढ़िया लैंग्वेज है, स्लोप ऑफ कर्व मैक्सिमम है, तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, स्लोप को, इस पर आएंगे एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, ये तो हो ही जाएगा बट स्लोप को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये क्या है आपका स्लोप है विच हैज टू बी मैक्सिमाइज, मतलब आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, तो मेन क्वेश्चन तो ये है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन होना है, इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन होना है, इसी के फर्स्ट डिफरेंशिएशन से क्रिटिकल पॉइंट आएगा और सेकंड डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव आएगा, तो स्लोप का स्लोप अपने आप में एक फंक्शन बना दिया गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, तो आपने करा डी एस अपॉन डी एक्स सिक्स एक्स प्लस सिक्स आया, यहाँ से सिक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन आया, ये आ गया आपके पास डी एस अपॉन डी एक्स। फोर मैक्सिमा और मिनिमा, डी एस अपॉन डी एक्स को रखोगे आप जीरो, तो जीरो इक्वल टू आएगा माइनस का सिक्स एक्स माइनस वन, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास वन। उन्होंने हमसे पॉइंट पूछा है, तो पॉइंट का मतलब एक्स भी होता है एंड वाई भी होता है, देयरफॉर आपके पास वाई इक्वल टू आ गया माइनस वन प्लस थ्री प्लस नाइन, माइनस का 27, 12 आया, 28 आया, माइनस का 16 आया, तो पॉइंट आपके पास में आया 1, -16, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट था। अभी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी टू एस ओवर डी एक्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 6, ये तो नेगेटिव आ गया, देयरफॉर एस आपके पास में कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, तो हमें मैक्सिमम स्लोप निकालना है, स्लोप है कहाँ, स्लोप है ये, ठीक है, तो आप कहते हैं हमें जो मैक्सिमम स्लोप निकालना है वो इक्वल टू है माइनस के थ्री के साथ वन का स्क्वायर प्लस के सिक्स के साथ वन और आया नाइन, तो माइनस थ्री प्लस में आया 15 और आ गया आपके पास 12, दिस इज मैक्सिमम स्लोप।